Let's take a look at page number one. There is a real story. This letter was published in our local newspaper a few weeks back, about 6-7 weeks back. This letter was published. मैंने उसका हवाला लिखा है और ये एक इस खत में एक बच्ची लिखती है और उसको एडवाइस चाहिए. मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस खत को पढ़िए और अगर मैं आपसे कहूँ कि तीन सिनेरियोज हैं और अभी इसके ऊपर हमें काम करना होगा, वो काम ये है, छोटी सी एक एक्टिविटी होगी. आपने ये खत पढ़ना है और उसके बाद तीन रोल्स हैं और हम तीन छोटे से रोल प्लेस करेंगे, बहुत ही छोटे से, आसान से, ठीक है. पहला रोल प्ले वो होगा, अच्छा ये खत सबने पढ़ लिया, खत सबने पढ़ लिया, बच्ची का खत सबने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह. पहला रोल ये है, बच्ची के फादर हैं जिन्हें कुछ थोड़ा बहुत मसले का अंदाजा है लेकिन पूरा अंदाजा नहीं है और वो बच्ची को, बच्ची से कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बच्ची के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो वो क्या करेंगे, बच्ची को नहीं पता कि फादर को कुछ आधी कहानी पता है. बात समझ आ रही है? तो आप में से कोई फादर बनेगा और वो कोई और जो है वो बच्ची बनेगी और उसने कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है. दूसरा सिनेरियो ये है जिसमें बच्ची की माँ है जिसको पूरी कहानी पता है और बच्ची को ये ख्याल है कि शायद अम्मा जान को कुछ पता है, बच्ची को ये नहीं पता कि अम्मा जान को पूरी कहानी पता है और अम्मा जान जो है वो बच्ची से कुछ कम्युनिकेट करेंगी. तीसरा सिनेरियो वो है जिसमें बच्ची की एक दोस्त है, जिसमें बच्ची की दोस्त को पूरी कहानी पता है और बच्ची को पता है कि इनको पूरी कहानी पता है और वो कुछ कम्युनिकेट करेंगे. ये बात क्लियर हो रही है? तो पहले सिनेरियो में एक फादर और कोई और साहब जो वैसे ही सिर्फ उन्हें सिर्फ सुनना है और लाउड थिंकिंग करनी है, रिस्पॉन्स नहीं देना. ये कर सकता है? इतनी जरूरत आप में से कोई रोल प्ले कर सकता है? कर सकते हैं? तो आप फादर बनेंगे, ठीक है, और आपने बच्ची से कम्युनिकेट, आप क्या करेंगे, आप उसके साथ क्या डिस्कशन करेंगे? बच्ची की तरह. हाँ, बच्ची, आप सोचिए कि बच्ची जो है वो कोई भी आप में से कोई बन जाए और वो लाउड थिंकिंग करेगा रिस्पॉन्स में, यानी आप कुछ बोलेंगे और वो खामोश है, बच्ची कोई जवाब नहीं दे रही लेकिन उसके जहन में जो चल रहा है सिर्फ वो बोलना है जो उसके जहन में चल रहा है. हाँ, कोई दो चार जुमले बोलिए. बेटा आप काफी दिनों से खामोश दिख रहे हैं, क्या बात है? जब मैं बन जाती हूँ बच्ची, ठीक है. आपने अब नोट किया मैं खामोश हूँ? मैं तो कब से खामोश हूँ. आपको नजर आ गया मैं खामोश हूँ? और एक आध जुमला बोलिए. आप जो है वो अपने रूम में बैठी रहती हैं, बाहर भी नहीं आती, मम्मा से भी बात नहीं करती, पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपको लगता है? कैसा हुआ आपका जो लास्ट वीक था? हाँ, मुझे पता था इन्हें यही वाला काम है मुझसे, ये एग्ज़ाम की वजह से ही, मेरी पढ़ाई की वजह से ही मेरे पास आए. हाँ, लगता है इन्हें स्कूल से कोई बात पता लगी है. आपके स्कूल से भी कॉल आई थी, मैं सोच रहा था पहले आपसे पूछ लूँ ऐसा क्या हुआ स्कूल में जो स्कूल वालों ने कॉल किया. अम्मी ने कुछ इनसे शिकायत की है, वो बच्चे के जहन में जो चल रहा है ना वो. हाँ ठीक है, थैंक यू. और चुके इसी तरह कोई अम्मा बने और फ़र्ज़ कीजिए कि मैं बच्ची हूँ और यही सिचुएशन है और वो मुझसे इंटरेक्ट कर रही है और बच्ची को ये पता है कि अम्मा जान को कुछ अंदाज़ा है मसले का लेकिन पूरा अंदाज़ा नहीं है और जबकि अम्मा जान को पूरा अंदाज़ा है. अब वो कैसे मुझसे कम्युनिकेट करेंगी और मेरे जहन में क्या चल रहा है वो मैं बताऊँगा. जी प्लीज उनको उनको दीजिए. हाँ,
जी बेटा, क्या मसला है? आजकल आप बिल्कुल अपने रूम को टाइडी नहीं कर रहे, बिल्कुल आपने अपनी चीजें ऑर्डर में नहीं रख रही, देर फिर से उठ रही है सुबह को, क्या बात है? ठीक है, इन्हें मुझसे ज़्यादा मेरे रूम की फ़िक्र है, इन्हें मेरी चीज़ों की फ़िक्र मुझसे ज़्यादा है। और अभी जो आपका असाइनमेंट था वो क्या पूरा? हर वक्त पढ़ाई। इन्हें कुछ पता भी है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है? इन्हें मेरा कोई प्रॉब्लम तो नज़र ही नहीं आता, सिर्फ मेरी पढ़ाई पढ़ाई। तब से अपने बालों को तुमने ऑयल नहीं किया, देखो क्या हालत हो रही है। दिल चाहता है कहीं भाग जाऊँ, चली जाऊँ, मर जाऊं। चलो हम दोनों मिलके टाइडी करते हैं। एक तो इनको हर वक्त सफाई का भूत सवार, ठीक। अब ये अंदर ही अंदर चल रहा है, ये बात समझ आ रही है? अंदर ही अंदर चल रहा है। वो क्या कह रहे हैं? किसी में भी बिल्कुल हेल्प नहीं करते तुम। जरा सा तो बेटा एहसास होना चाहिए, अपनी प्लेट तो किचन में रखो कम से कम। हालांकि मैंने सुबह भी काम किया था किचन में, और कल भी शाम में मैंने इनको चाय बना के दी थी, इन्हें ये थोड़ी याद होगा। मुझे पता है सारा काम मेट करती है। ठीक है, अब ये समझ आ रहा है अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? अच्छा, अब एक फ्रेंड है जिससे कोई बिल्कुल फ्रेंड बन के, हाँ, मदर बनना चाहती। आई सिचुएशन में आपने क्लियर बोला कि मदर को पता है सब कुछ, तो मुझे लगता है कि व्हाई मदर इज नॉट कमिंग ऑन द पॉइंट। तो अगर मैं चलें पॉइंट पे आ जाइए, तो मैं अगर आऊंगी तो मैं कहूंगी कि मैं रात को उठी थी तो तुम जाग रही थी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो तुम क्यों जाग रही थी रात में, कोई मसला चल रहा है? मेरी मर्जी, आपको इससे क्या? तुम बहुत ज्यादा मोबाइल पर बैठने लग गई हो, और मोबाइल को लेते हुए तुम्हारा हाथ में, तो मैं ना जो नाराज लग रही हो, गुस्से में लग रही हो, कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अच्छा, आप ये कह रहे कि शी इज नॉट आंसरिंग मी एनीथिंग? नहीं, वो बिल्कुल इस तरह, अगर यानी ये वाली डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो हो सकता है इस तरह आंसर दे, वो कहे कि नहीं मैं ठीक हूँ, आपको क्या है? और ये जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी, अच्छा, इफ आई आस्क कि मेरी गट फीलिंग्स कह रही है कि तुमको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तुम मैंने चुप चुप नजर आती हो, इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन? मैंने तुम्हारा मोबाइल में पढ़ा है कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो व्हाई डोंट यू शेयर विद मी? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कोई बात नहीं आपसे करना चाहती। मतलब वो ये वाली बात करेगी जो उसके अंदर एग्रेशन है, जो उसके अंदर गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो इमोशनली जो डिस्टर्ब है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक फ्रेंड वाली भी कोई बन के दिखाए, कोई फ्रेंड हो और वो इससे जो, अब वो फ्रेंड लेवल पर कैसे डिस्कशन हो रहा होगा, कोई करेगा? व्हाट्सएप क्या चल रहा है, चलो कहीं चलते बाहर। हाँ, ये एक सिचुएशन हो गई ओपन करने की। देखें, इसमें जो अहम बात है वो ये कि जब हम फ्रेंड बने तो हमने पहले वाले रिस्पांस में ये कॉन्फिडेंस दिया कि चलो मुझे बताओ क्या चल रहा है, और यही बात चूंकि फ्रेंड के साथ पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें उसने इसको सख्ती की हो या इसके ऊपर, फ्रेंड के साथ एक अलग सतह का रिलेशनशिप है और उसे ये पता है इट्स सेफ टू शेयर एनीथिंग विद माय फ्रेंड, व्हाइल इट इज़ एक्सट्रीमली अनसेफ टू टेल एनीथिंग टू माय मॉम। जो अभी का सिनेरियो, जो बच्चों का इस तरह का यानी जो सिचुएशन है वो ये है कि वही चीज़ माँ से शेयर करना या बाप से शेयर करना बहुत दुश्वार है, बाप से तो शेयर कर ही नहीं सकते। थोड़ा से हम इसकी कॉजेज देखें, पहले ये देखें प्रॉब्लम क्या है और इसकी कॉजेज क्या है, ज़रा क्विकली इसके ऊपर जाइए, प्रॉब्लम एंड कॉजेज। एक मसला ये लगता है जी जिसको गालिब ने कहा था, कहा कि दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा घर होता कोई गम के साथ होता, कोई चारा घर और गम के साथ चाहिए उसे। बहुत खूब, यानी ये बहुत अहम बात है कि उसको नासे से ज़्यादा, यानी उसको करेक्ट करने वाले आदमी से ज़्यादा लिसन करने वाले आदमी की तलाश है, उसे कंट्रोल करने वाले इंसानों से ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड करने वाले इंसानों की तलाश है। उसको उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है जिसमें उसको कंट्रोल और करेक्ट और कंट्रोल और करेक्ट करने की एफर्ट्स हुई हैं, लेकिन उसे अंडरस्टैंड करना और उसे एक्सेप्ट करने वाली फील उसे कम मिली है।
असल में इसमें जो बहुत अहम बात है वो ये कि वो बच्चा जिसको ट्रस्ट नहीं मिला और जिसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई, जिसको उसकी माँ ने मोहब्बत नहीं दी, जिसको उसके फादर ने मोहब्बत नहीं दी, उसको वैल्यू नहीं मिली अपने घर से, वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में होता है वो इंसान, और वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसको जब अपोजिट जेंडर कोई उसके साथ एक मोहब्बत का और एक अफेक्शन का एक्सप्रेशन देता है तो वो उसके लिए बहुत एक अच्छा एहसास उसे मिलता है, और उसकी वो जो नीड है, जो एक्यूट नीड है, वो उसकी फुलफिल होती है इस तरह से। आइए ज़रा सा एक इस लेटर की डिटेल में जाते हैं। आई एम अ टीन एज गर्ल एंड डेस्परेटली सर्चिंग फॉर सम लव इन दिस वर्ल्ड। ये पहला जुमला ही बहुत कुछ बता रहा है कि इस बच्ची को मोहब्बत नहीं मिली, इस बच्ची को जो सेंस ऑफ अप्रूवल और सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस मिलना था, जो जिस तरह इस बच्ची को रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी या ट्रस्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो ट्रस्ट डेफिसिट चाइल्ड होता है उसकी एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है। जो इमोशनली स्टार्व्ड चाइल्ड होता है, रिसर्च ये कहती है कि उसके लिए इम्पल्सिव होना बहुत आसान है, वो इमोशनली एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगा, उसके लिए कह लीजिए कि अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल दुश्वार होगा, ठीक है। और ये वो बच्चा है जिसको, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि किसी बच्चे की इमोशनल नीड्स जिस तरह उसके पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं, कोई और नहीं पूरी कर सकता। ये भी मुमकिन है कि एक इंसान जिसको पेरेंट्स ने बहुत मोहब्बत दी हो, बहुत ट्रस्ट दिया हो, उसको भी किसी दूसरे इंसान के लिए कोई फीलिंग उसमें डेवलप हो जाए, ये भी मुमकिन है, ये मुमकिन है। लेकिन उसका कंट्रोल ओवर इमोशन उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगा जिसको उसके पेरेंट्स ने बिल्कुल भी ट्रस्ट या मोहब्बत नहीं दी। तो अहम बात यह है कि हम अपने हिस्से का काम करें, हम अपने बच्चे को जो ट्रस्ट देना चाहिए, जो मोहब्बत देनी चाहिए, जो सेंस ऑफ अप्रूवल देना चाहिए, जो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो हम करें ताकि हमारा बच्चा स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, इमोशनली वीक चाइल्ड ना हो कम से कम, ठीक है। यानी किसी बच्चे को जो वैल्यू मिलनी चाहिए अपनी माँ और अपने बाप से, अगर वो वैल्यू उस बच्चे को नहीं मिली है तो वो बच्चा जब पहली दफा उसे कोई वैल्यू मिलेगी, एक और बात समझ लीजिए, देखिए बच्चियों को एक खास किस्म की तवज्जो वालिद साहब से चाहिए, एक खास किस्म की तवज्जो वालदा से चाहिए, दोनों से, दोनों मिलके उस नीड को पूरा करते हैं। वालिद साहब से जब एक हौसला अफजाई मिलती है तो उन्हें लगता है कि अथॉरिटी ने उनकी अहमियत को तस्लीम किया है। वालदा की तरफ से मिलती, वालदा की अलग बात है, वालिद की अलग बात है। अगर वालिद से मिले और वालदा से ना मिले तो भी क्राइसिस है, अगर वालिद से ना मिले, वालदा से मिले तो भी क्राइसिस है, और ये दोनों तरह के फ्लेवर्स उसके अंदर, उसकी मेकिंग में चाहिए। जी मैं क्वेश्चन आंसर्स इसमें करूंगा, मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अगर चले मैं इसको इधर ही कर दूं, अगर कोई एक पेरेंट बच्चे की जिंदगी में है तो बच्चा नेचुरली अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक से लगाएगा, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों से एक्सपेक्ट करेगा। तो जब किसी बच्चे की लाइफ में एक भी पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी भी सिचुएशन होती है, तो उसकी जो भी कफालत कर रहा होता है, जो भी उससे करीब होता है, बच्चे की नीड्स फिर वहाँ से पूरी होती हैं, और फिर ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह अपने तरीके से करता है। तो लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स हयात हैं और एग्जिस्ट करते हैं और सामने हैं, तो फिर बच्चे की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्चुअली इट्स द मैटर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इफ बोथ पेरेंट्स आर देयर इन द लाइफ, योर चाइल्ड विल इवेंचुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम बोथ, बट इफ देयर इज वन पेरेंट, योर चाइल्ड विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम वन पेरेंट। ये बात क्लियर हो रही है? उसे पता है कि भाई यहीं से मुझे मिलेगी। तो माई लव लाइफ इज लिटरली जीरो एंड आई वॉन्ट टू रन इन टू अ रिलेशनशिप एज सून एज पॉसिबल विद अ ट्रस्टवर्दी एंड लवेबल बॉय। इस बच्ची को ये जो टू बी ओन बाय समवन हु इज ग्रेटर, हु इज स्ट्रॉन्गर, who can become a symbol of authority, this is that urge
to be owned by someone who is stronger than you, to be owned by someone who is keh lijiye higher, bigger. Ye ek alag kism ki urge hai. The problem is that a few months ago I fell in love with a boy, and believe me when I say that he was absolutely perfect for me. I tried to give him some hints, but he couldn't perceive them. So desperately I wrote him a letter telling him all about my feelings. Iska matlab hai ki bachchi expressive hai. Bachchi writing mein itna acha express kar rahi hai, to iska matlab hai uski expressive, wo acha express apne aap ko kar sakti hai. Lekin usko suna nahi jata. But I was heartbroken to see that he didn't like me. He said that and my life was over. तो ये एक बहुत शॉकिंग उसके लिए एक्सपीरियंस हुआ. आई हैव बीन एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड सिंस देन. एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी जो रीजनिंग की एबिलिटी है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो तो हमारी रीजनिंग बहुत लो होती है. जब हम इमोशनली सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है. मतलब हम ये जो बच्चे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, चीज़ों को हमारी, देखिए सोचते हम जहन से हैं लेकिन हमारे इमोशंस हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को फ्रीज कर देते हैं, और हमारी इमोशंस हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को अनफ्रीज करते हैं. हमारी इमोशंस अलाउ करते हैं तो हमारा जहन थिंक करता है. अगर हमारे इमोशंस अलाउ ही ना करें तो हमारा जहन, तो जितना अच्छा जहन है वो एक तरफ अपना. तो ये किसी वजह से इसको जो ये वाली ख्वाहिश थी ना कि मुझे कोई चाहे, तो ये बचपन से भी एक मुमकिन है कि ये प्रॉब्लम रहा हो. हम यकीन से नहीं कह सकते लेकिन इस बात का बहुत इम्कान है इस सिचुएशन में. तो अब मैं डिप्रेस हूँ. आई डोंट नो व्हाट टू डू एज आई एम रियली कन्फ्यूज्ड. शुड आई जस्ट गिव अप ऑन हिम एज माई फ्रेंड्स सजेस्ट. इसका मतलब है कि ये सारी डिस्कशन फ्रेंड से कर चुकी है. फ्रेंड से डिस्कस करने के नतीजे में ये इस पोजीशन में आई है कि अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सके इस तरह से. ये बहुत मैच्योर मैनर में डिस्क्राइब कर रही है. अगर इस बच्ची का अपने फ्रेंड से सेशन ना लगा होता तो ये अपने प्रॉब्लम को इस तरह से डिस्क्राइब ना कर पाती. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शुड आई जस्ट गिव अप ऑन हिम एंड मूव ऑन, इस पूरे लेटर में सबसे सेंसिबल बात ही है. एक्चुअली यहां से हमें उम्मीद नजर आ रही है, हम कहें हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्चुअली हमें ये कहना है. लेकिन ये एक बात सोचें, एक बच्ची इस पोजीशन पे कैसे आई. यानी इतना ठीक ठाक क्राइसिस में एक बच्ची आ गई, और आप सोचिए कि उस बच्ची को कुछ कान मिले जिसने उसकी पूरी बात सुनी, उसको जज नहीं किया, उसके नतीजे में कंट्रोल ओवर सेल्फ आया. When someone allows us to express us fully and that person does not judge our feelings, we do not feel unsafe while expressing our innermost feelings. Only after that experience we come to that point that we gain control over our own self, which can be noticed, which can be seen in this line. ये जो जुमला है, जिस दिन इस बच्ची को सेटबैक मिला था और उस लड़के ने इसको रिफ्यूज किया था, क्या उस दिन ये इस काबिल होगी कि ये जुमला कह सके. उस दिन तो बिल्कुल पागल होगी. फिर इसको इसकी दोस्त मिले जिससे उसने अपनी पूरी गुबार निकाल लिया. तो ये जो फेज है ना, मैंने अपना पूरा प्रॉब्लम किसी से शेयर कर दिया, वंस इट इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड, उसके बाद आदमी कहता है अच्छा, फिर उसे खुल से फिर दोबारा से देखता. और ये जो लाइन है ये बहुत अहम लाइन है इस पूरे लेटर के अंदर. अगर कहीं होप है तो वो इस लाइन में. बच्चा खुद कह रहा है, शुड आई जस्ट गिव अप ऑन हिम एंड मूव ऑन. वो खुद ये सोच रही है. इफ सो, अच्छा वो चूंकि कंफ्यूज्ड है. कंफ्यूज्ड का मतलब क्या है, एक और बात पता लग रही है, वो ये, हमारे दोस्त आधा काम तो कर सकते हैं और वो क्या करते हैं कि हमारा दिल हल्का कर लें, हमारा प्रॉब्लम सुन लें, हमारा गुबार निकल आए, हमारे दिल की भड़ास निकल जाए,
दोस्त इस फंक्शन को पूरा कर सकते हैं, वो हो गया। लेकिन चूंकि मैं दोस्तों को इंटेलेक्चुअल नहीं मानती, मैं अपने दोस्तों को मेंटोर की पोजीशन पे नहीं बिठा सकती, मुझे पता है वो बेवकूफ भी हैं, मैं उनकी जहानत और दानाई और नॉलेज पे ट्रस्ट नहीं करती, मैं नहीं मानती कि वो दुनिया देखे हुए हैं, तो आई नीड अ वाइज एडवाइस, आई एम सीकिंग अ वाइज एडवाइस फ्रॉम समवन। I feel confused even after sharing everything with my friends and having received the suggestions from my friend. Mumkin hai aap as mentor aap bhi yahi suggest karein jo friend ne suggest kiya, mumkin hai, lekin wo aapki advice pe trust kar sakti hai, dost ki advice pe trust nahi kar rahi. Don't you find this an amazing thing? Kya khayal, dost kuch ulti advice bhi to de sakta tha? Ek बच्ची की स्टेट ये भी हो सकती है, एक बच्ची ऐसी भी हो सकती है कि वो अपने फ्रेंड्स की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो करे, बिल्कुल मुमकिन है, और वो ये एसेस ना कर सके कि उसके फ्रेंड की जो एडवाइस है वो सेंसिबल है या बेकार है। उसका फ्रेंड कोई बेवकूफ़ी की भी सजेशन दे सकता था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसके फ्रेंड ने ढंग की सजेशन दी। तो इस वाले केस में ऐसा नहीं है, इस वाले केस में फ्रेंड जो है वो बेहतर सजेशन दे रहा है, और ये खुद भी फ्रेंड की एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही, बल्कि ये सोच रही है इवन आफ्टर हैविंग रिसीव्ड द एडवाइसेस फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम फ्रेंड्स, चाइल्ड फील्स कंफ्यूज्ड, उसे लगता है कि नहीं मुझे कुछ और सेंसिबल मशवरा चाहिए। ये वो तो मैं एक जो अहम बात मैं आपको बताऊं, एक और अहम बात, वो बच्चा जो अपने फ्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, उसको भी अगर ये मौका नसीब हो जाए कि वो अपनी फीलिंग्स पूरी की पूरी बाहर निकाल ले। देखिए मैं प्रोफेशनली काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, काउंसलिंग जो है वो कानों से होती है, ज़बान से नहीं होती। काउंसलिंग में ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, और काउंसलिंग में काउंसली खुद काउंसलर को अप्रोच करता। मैं किसी की काउंसलिंग ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ बेटा इधर आइए मुझसे मिलिए मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा, तो दिस इज नॉट एट ऑल काउंसलिंग। ये इसका मतलब है कि वो मेरे सामने हाजिर हो और मैं उसको ठीक करूं, दिस इज नॉट काउंसलिंग। काउंसलिंग ये है कि वो बंदा खुद फील करे कि मुझे इन साहब के पास जाना है और अपना मसला बयान करना है, और मैं कहूं ओके बताओ और मैं सुनूं। और काउंसलिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा कीमती फ्रेज है या कीमती रिस्पॉन्स है काउंसलर का, वह है अच्छा हाँ। अच्छे काउंसलर को यह कहना आता है, अच्छे काउंसलर की हाँ कहने की टाइमिंग और एक आम आदमी की हाँ कहने की टाइमिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बुनियादी बात है, ये बात समझ आ रही है? तो जब हम किसी इंसान को पूरा खाली कर लेते हैं ना, तो उसकी जब जज्बात का गुबार और तूफान बाहर निकल गया ना, तो अकल जरा सी अंगड़ाई लेके खड़ी होती है। अकल कहती है अच्छा अब जरा सोचते हैं। नाउ आई फील एम्प्टी, नाउ आई शुड थिंक समथिंग, यू बिकम एबल टू थिंक ऑन इट। तो ये काम दोस्तों ने कर दिया, ये बात क्लियर हो रही है? इफ सो, अब देखिए ये बच्चा अपने आप को, एक और बात, अपने आप को कंफ्यूज्ड कहना ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस जगह पर। देखिए ये भी तो मुमकिन था कि एक बच्चा कंफ्यूज्ड हो और ये ना समझे कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। हमारे बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं कि जहल की दो किस्में, एक है जहल मुरक्कब, एक है जहल बसीत, यानी एक है कंपाउंड जहल, एक है सिंपल जहल। तो सिंपल जहल तो यही है कि आपको कोई चीज नहीं पता, आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ आ रहा है कि यार मुझे नहीं पता मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो ये तो जहले सादा या जहले बसीत। जहले मुरक्कब ये है कि आपको नहीं पता आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आपको गुमान ये है कि आपको सब कुछ पता है, आप ये समझ रहे हैं कि आपको पता है हालांकि आपको नहीं पता। ये बड़ी खतरनाक स्टेट है। तो ये बच्ची तो इसको पता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, टू बी एबल टू से दैट आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम नॉट फाइंडिंग अ वे आउट, दिस इज वंडरफुल। तो दिस इज सेकंड positive thing in this whole letter, child is admitting that I am confused
एंड चाइल्ड इज कंसिडरिंग दिस सजेशन ऑफ अ फ्रेंड के शुड आई मूव ऑन, शुड आई लीव हिम, इफ सो देन हाउ ऑन अर्थ एम आई सपोज टू डू दैट. ये एक और बात, कोई मुझे बताए कि मैं कैसे अपने दिल को संभालूं, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊं. इसका मतलब एक और है, इसके अंदर ख्वाहिश है अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की. क्या ख्याल है? आई डोंट वॉन्ट टू एज ही वॉज माई फर्स्ट लव. अब दोबारा वो उस स्टेट में जा रही, वो जो एक दिल जो है वो पूरा बाहर, यानी इधर भी है उधर भी है. एंड आई लव्ड हिम अ लॉट बट आई गेस आई हैव नो अदर चॉइस देन टू लीव हिम अगेन. यानी अकल और दिल की कश्मकश चल रही है, यू सी बैटल बिटवीन हार्ट एंड माइंड. एंड मूव ऑनवर्ड्स, व्हाट शुड आई डू, प्लीज हेल्प मी.